लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बिस्टा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत का भूगोल सीरीज 19 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जुड़े, लिंक शेयर करें, जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करते रहें, आज हम लोग भारतीय कृषि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी ध्यान से देखें, और आप सभी जो लोग एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, दरोगा इत्यादि जो कुछ का भी जो भी अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। आने वाला समय में बहुत सारा वैकेंसियाँ हैं, जिसके लिए आपको अच्छा से प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसके लिए आपको कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है, और समय से आप सभी क्लास करें। आपके लिए सुबह डेली 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, शाम को 7 बजे आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, इसके अलावा आपके लिए इस चैनल पे स्पेशल पॉलिटी सीरीज से संबंधित जो है 28 वीडियो उपलब्ध हैं, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए आप सभी अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहें, पीछे के जितने वीडियो हैं उसे रिकॉल करें और कठिन मेहनत करें, तब जाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग मेहनत करें और सभी लोग रेडी हो जाएं, लाइव चैट में आंसर करने के लिए, और सभी लोग अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन है आज का 1 नंबर, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एक नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, नेक्स्ट है के बी थॉमस, नेक्स्ट है एम एस रंधावा, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी करें, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, आप सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, भारतीय कृषि का इतिहास एम एस रंधावा ने लिखा था। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है, और इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए भारतीय कृषि का इतिहास जो लिखा, वो आपका एम एस रंधावा के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? बताएं, आप सभी आंसर करें कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स मतलब आप समझ सकते हैं कि कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की बात कर रहा है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, यानी कि देश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन है आपका 1 नंबर 15, नेक्स्ट है 17, नेक्स्ट है 18, और नेक्स्ट है 20। तो आप सभी इसका आंसर करें लाइव चैट में। तो ध्यान रहे कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या जो है वो कुल 20 है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देश के अंदर जो है
वो पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के अनुसार कहा गया कि देश के अंदर जो है एग्रो इकोलॉजिकल की संख्या जो है वो 20 है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? ऑप्शन है एक नंबर JNKV जबलपुर, नेक्स्ट है PAU लुधियाना, नेक्स्ट है GBPAU पंतनगर, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है, आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, GBPAU पंतनगर, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसकी स्थापना जो होती है वो ध्यान रखेंगे 1960 में इसकी स्थापना होती है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो ध्यान रखना है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित हुआ था, और इसका नाम अब गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय कर दिया गया है। तो इस तरह से GBPAU पंतनगर यानी कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है, और इसकी स्थापना 1960 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर करें, एक नंबर ऑप्शन है 1955, नेक्स्ट है 1960, नेक्स्ट है 1965, और नेक्स्ट है 1980। तो आंसर करें कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो अभी हम बताएं कि 1960 में हुआ पंतनगर में, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि समांतर फसल का एक उदाहरण है, समांतर फसल का उदाहरण कौन है? ऑप्शन है आलू प्लस सरसों, नेक्स्ट है कपास प्लस गेहूं, नेक्स्ट है गेहूं प्लस सरसों, और नेक्स्ट है ज्वार प्लस गेहूं, ज्वार प्लस आलू। इसका आंसर आप सभी लोग करें, समांतर फसल का उदाहरण है, तो सभी लोग आंसर करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर करें सभी लोग। समानांतर फसल एक उदाहरण है, तो ध्यान रहे इसका आंसर जो हो जाएगा वो गेहूं प्लस सरसों हो जाएगा। तो दोनों में समानांतर समानता है, आप देख सकते हैं दोनों जो है एक ही समय होने वाला फसल है, तो ध्यान रखेंगे कि इनके बीच जो है वो कोई प्रतियोगिता नहीं है। तो इस तरह से कहेंगे कि समानांतर फसल के अंतर्गत जो है वो गेहूं प्लस सरसों हो जाएगा, तो सी नंबर इसका आंसर। अगला है कि भारत के कृषि को क्या समझा जाता है, भारत के कृषि को समझा जाता है। ऑप्शन है एक नंबर जीविकोपार्जन का साधन, नेक्स्ट है एक व्यवसाय, नेक्स्ट है एक व्यापार, और नेक्स्ट है एक उद्योग। आंसर करें इसका आप सभी लोग कि भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे कि भारत के कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बताया गया है, जीने का साधन बताया गया है भारतीय कृषि को, न कि यह एक व्यवसाय के स्तर पर स्थापित हो चुका है, या व्यापार के रूप में स्थापित है, या फिर एक उद्योग के रूप में स्थापित है, बल्कि यह जीविकोपार्जन का एक साधन बना हुआ है भारतीय कृषि। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिकता पाई जाती है, यानी कि किसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन है एक नंबर सनई, बी है ग्वार, सी है बोरा या लोबिया बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें कि निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर बोरा, लोबिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है काफ़ी अधिक पाया जाता है, इसमें 0.49% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, बोरा या लोबिया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है एक नंबर केरल तट, नेक्स्ट है तमिलनाडु तट, नेक्स्ट है तेलंगाना तट और नेक्स्ट है विदर्भ तट। आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तट। तमिलनाडु तट जो है वो उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु तट पाया जाता है दक्षिण भारत में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ऑप्शन है एक नंबर नॉर्मल ई बोरलॉन्ग, नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन, नेक्स्ट है बीपी पॉल और नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह। इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग आंसर करें कि विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मल ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है, यानी कि एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नॉर्मल ई बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन है नॉर्मल ई बोरलॉन्ग, नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन, नेक्स्ट है आपका बीपी पॉल और नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, आपको ध्यान रखना है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मल ई बोरलॉन्ग है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जबकि राजेंद्र सिंह की बात करें तो जो है इन्हें वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, वाटरमैन के नाम से जो है वो आपका राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो इस तरह से आप जो है ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी किसके द्वारा। तो सदाबहार क्रांति जो है वो भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। ऑप्शन है एक नंबर नॉर्मल ई बोरलॉन्ग, नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन, नेक्स्ट है बीपी पॉल और नेक्स्ट है राजा कृष्णन द्वारा। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी किसके द्वारा। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा सदाबहार क्रांति लाई गई थी, द्वितीय हरित क्रांति को ही सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सदा हरा भरा पृथ्वी को बनाए रखने के लिए सदाबहार क्रांति द्वितीय हरित क्रांति में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था, ध्यान रखेंगे, जिसमें मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए जो है वो रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था, रेन वाटर तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों के भांति सुविधाएं प्रदान की गई थी, कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि पर बल देने की आवश्यकता पर प्रयास किया गया था सदाबहार क्रांति में। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल ई बोरलॉन्ग कहाँ के थे, आंसर करें आप सभी, नॉर्मल ई बोरलॉन्ग कहाँ के थे। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, नेक्स्ट है मैक्सिको और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट न्यूजीलैंड। तो नॉर्मल ई बोरलॉन्ग कहाँ के थे, आप लोग आंसर करें, कहाँ के ये विद्वान थे। तो ध्यान रहे कि नॉर्मल ई बोरलॉन्ग जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकता इन्हें प्राप्त था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। तो ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल ई बोरलॉन्ग कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे, आपको ध्यान रखना है।
जबकि ये आप ये सबसे पहले हरित क्रांति का प्रयोग जो है वो मैक्सिको में किए थे, तो थे तो अमेरिका के, लेकिन पहली बार हरित क्रांति का प्रयोग जो है मैक्सिको में किया गया था इनके द्वारा, आप ध्यान रखेंगे। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना। तो आप कभी भी अगर थक जाते हैं तो आराम कर लीजिए, लेकिन कभी हार कर मत बैठिए। अगर आप हार कर बैठ गए तो फिर सफलता का आस आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आराम करके फिर से एक बार मजबूती के साथ लगते हैं तो फिर आपको जीतने की संभावना ज़्यादा होती है और आप जीत सकते हैं। तो इसलिए आप सभी जो है वो कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें, ताकि जो है वो जब तक सफलता न मिले तब तक कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप सभी मेहनत करें, देखिएगा परिणाम काफ़ी बेहतर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है एक नंबर हरी खाद का प्रयोग, नेक्स्ट है अधिक फसल उगाना, नेक्स्ट है उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम और नेक्स्ट है हरी वनस्पतियाँ। तो इसका आंसर करें आप सभी लोग, सभी लोग आंसर करें कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम हरित क्रांति का अभिप्राय है। भारत में हरित क्रांति जो है 1966 से लेकर 1967 के बीच हुआ था, इसी समय माना जाता है कि भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। तो हरित क्रांति का यही लक्ष्य था कि उच्च उत्पादन और वैरायटी प्रोग्राम जो है वो हासिल किया जाए। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है मोटे अनाज के उत्पादन से, नेक्स्ट है आपका दलहन उत्पादन से, नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन से और नेक्स्ट है तिलहन उत्पादन से। तो हरित क्रांति संबंधित है, सभी लोग आंसर करें हरित क्रांति संबंधित है किससे। तो ध्यान रखेंगे कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है वो गेहूं उत्पादन पर पड़ा था, तो इसका संबंध जो है वो गेहूं उत्पादन से होगा। तो ध्यान रखेंगे हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था। तो हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था। ऑप्शन है जैपोनिका चावल, नेक्स्ट है भारतीय चावल, नेक्स्ट है एमर चावल और नेक्स्ट है मैक्सिकन गेहूं। तो आप लोग आंसर करें हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो था वो मैक्सिकन गेहूं था, ध्यान रखना है। मैक्सिकन गेहूं जो था वो हरित क्रांति का मुख्य पादप था, ध्यान रखना है। हरित क्रांति की जो है वो मुख्य पादप यही था जिसे बोरलॉन्ग के मैक्सिको स्थित जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगवाया गया था मैक्सिकन गेहूं को, और इस तरह से जो है वो मुख्य पादप जो था वो मैक्सिकन गेहूं और सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं उत्पादन पर भारत के अंदर देखने के लिए मिला था, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन है हरित क्रांति से, नेक्स्ट है श्वेत क्रांति से, नेक्स्ट है नीली क्रांति से और नेक्स्ट है सभी। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। तो ध्यान रखें ये सारा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति से सभी से जो है वो रिलेटेड आपका जो है वो हरित क्रांति इंद्रधनुषी क्रांति इसमें सारा आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है कपास उत्पादन से, नेक्स्ट है लहसुन उत्पादन से, नेक्स्ट है प्याज उत्पादन से और नेक्स्ट है अंगूर उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, आप सभी आंसर करें। तो ध्यान रहे कि गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो प्याज उत्पादन से, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है कच्चा तेल उत्पादन से, नेक्स्ट है कोयला उत्पादन से, नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन से और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो काली क्रांति किससे संबंधित है आंसर करें आप लोग।
काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ध्यान रहे, काली क्रांति जो है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा, काली क्रांति। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी जरूर इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है एक नंबर तिलहन उत्पादन से, नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन से, नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन से, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। आंसर करें आप सभी लोग, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति, तो ध्यान रहे कि पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से, यानी कि इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है एक नंबर तिलहन, नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन, नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है। सभी लोग आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करें, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? श्वेत क्रांति का संबंध सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो है वो श्वेत क्रांति है, और श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है? किन महीनों में रबी के फसल की बुआई होती है, आप लोग को आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है मार्च अप्रैल, नेक्स्ट है जून जुलाई, नेक्स्ट है अक्टूबर नवंबर, और नेक्स्ट है जनवरी फरवरी। आंसर करें आप सभी लोग, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अभी रबी फसल की कटाई का मौसम है, तो बुआई का ऑप्शन आपको निकालना है कि रबी फसल कब, इसकी जो है कब बुआई होती है, आप लोग का आंसर करें। अभी कटाई हो रही है ना कि बुआई हो रही है, तो आप लोग आंसर करें रबी फसल की बुआई होती है। तो ध्यान रहे कि रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर माह में होती है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, आपको ध्यान रखना है रबी फसल के। और इसी के अंतर्गत जो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब आपका जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक रबी फसल है? आंसर करें, अभी हम सब रबी फसल का नाम बताया आपको, आंसर करें सभी लोग, इनमें से कौन एक रबी फसल है? ऑप्शन है एक नंबर कपास, नेक्स्ट है मक्का, नेक्स्ट है आपका सरसों, नेक्स्ट है अरहल। तो निम्न में कौन एक रबी फसल है, आप लोग आंसर करें, निम्न में से कौन एक रबी फसल है, आप सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें, इनमें से कौन एक रबी फसल है? तो ध्यान रहे कि इनमें से रबी फसल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो है एक रबी फसल है, बाकी की कपास, मक्का, अरहल ये सब रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खरीफ का फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ का फसल नहीं है, आपको आंसर करना है, सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन है एक नंबर मूंगफली, नेक्स्ट है मक्का, नेक्स्ट है मसूर, और नेक्स्ट है धान। तो निम्न में कौन खरीफ का फसल नहीं है, आप लोग आंसर करें, इसमें कौन जो है खरीफ का फसल नहीं है, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें, खरीफ का फसल इसमें से कौन नहीं है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि खरीफ का फसल इसमें से कौन नहीं है, तो आप जो है वो निकाल सकते हैं कि इसमें खरीफ का फसल जो है वो मसूर नहीं है, मसूर जो है वो रबी का फसल है, और बाकी के जो है वो सब मूंगफली, मक्का और धान, ये सारा जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगदी फसल नहीं है, इसमें से कौन जो है वो नगदी फसल नहीं है, आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है गन्ना, नेक्स्ट है कपास, नेक्स्ट है जूट, और नेक्स्ट है आपका गेहूं। आंसर करें आप सभी लोग, इसमें कौन नगदी फसल नहीं है, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें, और सभी लोग समय से जुड़े, मैं बार बार बोलता हूं कि समय से जुड़े और अंत तक बने रहें, जो लोग भी जुड़ते हैं क्लास से वो अंत तक बने रहने की कोशिश करें, ताकि आप लाइव चैट में अगर आंसर करते हैं तो आपका जो है
वो जो भी डर है क्वेश्चन बनाने का वो सारा डर समाप्त होगा और आप एग्जाम में देखिएगा कि अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अच्छा से आंसर करेंगे। इसलिए आप सभी जो है वो ज़रूर आंसर लाइव चैट में करते रहे, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो नगदी फसल नहीं है आपका, ध्यान रखेंगे जूट गेहूँ, गेहूँ को छोड़कर बाकी जो है वो सारा नगदी फसल है, जबकि आपका ये गेहूँ नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। नगदी फसल के अंतर्गत गन्ना जूट तंबाकू तिलहन ये सब प्रमुख जो है वो फसल हैं, ये सारा नगदी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, गन्ना कपास जूट ये सारा नगदी फसल है, जबकि गेहूँ जो है रबी का फसल है। तो ये इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, आप लोग ऑप आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड है पंजाब, थर्ड है बिहार और फोर है उत्तर प्रदेश। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, आपको ध्यान रखेंगे, जबकि वही दूसरा स्थान पर पंजाब आ जाता है और तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश। तो भारत का गेहूं अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य में कौन आएगा, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज आपके लिए कुल 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और दो चार बार कोशिश करें कि इसे देखें, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। और पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें, ताकि आने वाला फिर से जो टेस्ट होगा उसमें आप बेहतर कर सकें। तो सभी लोग समय से क्लास ज्वाइन करें और पीछे के क्लास रिकॉल करते रहें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है, आपको मिलेगा। आप सभी डेली दो चार वीडियो पीछे के रिकॉल करते रहें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो इस तरह से सभी लोग कोशिश करें और वीकली जितने भी करेंट अफेयर्स आते हैं वे सारे वीडियो को जब फुर्सत मिले आप देखते रहें, क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम है उसमें करेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और आप अगर बेहतर करना चाहते हैं एग्जाम में, तो आप करेंट को ध्यान से देखें और फॉलो करते रहें। तो इस तरह से आप सभी पढ़ें, मेहनत करें, कठिन मेहनत करें, ताकि जो है वो परिणाम काफ़ी बेहतर हो सके। तो इस तरह से आज का क्लास आपका समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। आप सभी को गुड नाइट।